क्या हाल है बच्चों? शुरू करें अपना सब्जेक्ट टैली। ठीक है, तो हम टैली पढ़ने वाले बच्चों। टैली एक ऐसा ईआरपी, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसकी वजह से हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स के जो तामझाम थे ना, बार बार लिखना और फिर वापस जाना ढूंढना कहाँ पे क्या लिखा है, हम वो सब प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर पाए हैं इस सिंपल से ईआरपी के थ्रू। ठीक है, ये सिंपल सा एक सॉफ्टवेयर है जिसे हम कंपनी में इम्प्लीमेंट करते हैं तो अपनी सारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को बहुत अच्छे से मेंटेन कर पाते हैं। ठीक है, तो हम टैली को आज सीखते हैं कि कैसे यूज़ करना है। तो बच्चों, हमने एक बड़ी टैली का सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिया है, तो हम शुरुआत करते हैं अपनी स्क्रीन पे। टैली जैसे आपने ले लिया होगा, इंस्टॉल कर लिया होगा, तो हम इसको पहले तो एजुकेशनल मोड में करते हैं यूज़, क्योंकि अभी हमने इसे परचेज़ नहीं किया हुआ है। जैसे ही इसे परचेज़ कर लेंगे तो हम परचेज़ मोड में आप यूज़ कर पाएंगे। हम एजुकेशन मोड में हमने एंटर किया, तो हम क्या करना चाहते हैं, हम बेसिक से, पूरे बेसिक से टैली समझना चाहते हैं कि एक्चुअली में हम क्वेश्चन वाइज प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के साथ इम्प्लीमेंट करके देखेंगे, ताकि जब हम रियल वर्ल्ड में कुछ सिचुएशंस के थ्रू गुजरेंगे या हमारे को बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाना होगा, तो हमें माइन्यूट, मतलब हमें छोटा सा छोटा पार्टिकल भी, छोटा सा छोटी डिटेलिंग भी टैली के बारे में पता हो। ठीक है, तो अब हम आ गए हैं टैली के फर्स्ट पेज पे, फर्स्ट इंटरफेस पे, और हमारे पास क्वेश्चंस हैं जो हमें सॉल्व करने हैं। सॉल्व करने हैं मतलब हम क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के थ्रू समझेंगे। ठीक है, तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, या पहला जो हमारे को एक्सरसाइज करनी है, वो है क्रिएट अ कंपनी, श्याम ट्रेडिंग कंपनी फॉर द फिनेंशियल ईयर 2019-20। मतलब हमारे को फिनेंशियल ईयर 2019-20 के लिए एक कंपनी क्रिएट करनी है, जिस कंपनी का नाम है श्याम ट्रेडिंग कंपनी। चलो बच्चों, शुरू हो जाते हैं। तो जैसे अब आपको दिख रहा है, देखो आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मैं भी आपको समझाने के लिए अपना कर्सर का इस्तेमाल करूँ, अपना मैं माउस का इस्तेमाल कर रही हूँ आपको समझाने के लिए। पर हम जनरली कीबोर्ड का इस्तेमाल करेंगे जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में, रियल लाइफ में, जब आपके पास जो आपको क्वेश्चन मिले हुए हैं इस लाइव एग्जांपल के बाद, दो और प्रोजेक्ट्स मिले हुए हैं आपको जिसको आपको खुद प्रैक्टिस करना होगा, और प्रैक्टिस का में अगर आपको कोई भी दिक्कत होगी तो हम हैं ना आपके पास उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए। बट हमको प्रैक्टिस ज़रूर करनी होगी, तभी हम उस सब्जेक्ट पे, इस टैली पे मास्टरी पा पाएंगे। ठीक है, तो आपको मैं कर्सर के थ्रू समझाऊंगी, ताकि आपको पॉइंटर के थ्रू समझ आता रहे कि मैं समझा क्या रही हूँ स्क्रीन पे। तो अब आप जैसे कि देख सकते हैं, हम गेटवे ऑफ टैली पे हैं। हमारे पास कुछ भी करंट पीरियड, करंट डेट, नेम ऑफ कंपनी कुछ भी मेंशन नहीं है, डेट ऑफ लास्ट एंट्री ये कैसे, क्यों मेंशन नहीं, क्योंकि हमने कुछ डाला ही नहीं है, तो कैसे आएगा? तो हम सबसे पहले क्या बोलना चाह रहे हैं, हम कंपनी क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास कंपनी इन्फो में, ये आपकी फर्स्ट स्क्रीन है, इस पे हम जाके क्रिएट कंपनी करेंगे। अब क्रिएट कंपनी पे मैं कैसे आई बच्चों, आपके अपवर्ड और डाउनवर्ड की है कीबोर्ड पे, तो मैं डाउनवर्ड की से नीचे आई हूँ। जितना मैं नीचे जाना चाहती हूँ मैं डाउनवर्ड की से नीचे जा सकती हूँ, जितना ऊपर जाना चाहती हूँ मैं अपवर्ड की से ऊपर जा सकती हूँ। तो अब मैं क्रिएट कंपनी क्रिएट करना चाहती हूँ, मैं एक कंपनी बनाना चाहती हूँ, तो मैं इसको एंटर करूँगी। मैंने एंटर का बटन दबाया तो हमारे पास ये डिटेलिंग आ गई है, स्क्रीन आ गई है बच्चों। तो हम क्या करना चाहते हैं, हम नाम क्रिएट करना चाहते हैं। नाम क्या है कंपनी का, श्याम ट्रेडिंग कंपनी, श्याम ट्रेडिंग कंपनी। ठीक है, हमने क्रिएट कर दिया, तो हम आप एंटर करेंगे तो हम नीचे मेलिंग नेम पे आ जाएंगे। मेलिंग नेम क्या है, अगर आपका मेलिंग नेम कंपनी नेम से डिफरेंट है तो आप वो डाल दीजिएगा, बट जनरली नेम और मेलिंग नेम सेम होता है, तो हम इसको श्याम ट्रेडिंग कंपनी ही रहने देंगे। अब नेक्स्ट है हमारे पास एड्रेस, हमारे पास एड्रेस भी मेंशन है हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन में, B12 आइथम टावर, बी बिल्डिंग सेक्टर 62-62 नोएडा। ठीक है, अब बाकी डिटेलिंग हमारे को नीचे दिख रहा है, हमारे कंट्री, स्टेट और पिन कोड हम वहाँ पे डाल देंगे। कंट्री क्या है हमारे पास बच्चों, इंडिया। अब आप इसमें ना कुछ मिस्टेक कर सकते हैं, मिस्टेक क्या कर सकते हैं कि हम
ऊपर नीचे जा सकते हैं और एंटर कर सकते हैं। फिर इससे क्या होगा, अगर हम कोई और कंट्री सिलेक्ट कर लेंगे तो हमें स्टेट और पिन कोड लिखने में बहुत दिक्कत होने वाली है, क्योंकि अब हम इंडिया में हैं तो हम इसे हम इंश्योर करेंगे कि हम इंडिया ही क्लिक कर रहे हैं। तो हम इंडिया पे जाएंगे और इसको एंटर कर देंगे, ठीक है। जैसे हमने एंटर किया हम स्टेट पे पहुंच गए और हमारे को लिस्ट ऑफ स्टेट्स आ गए हैं। देख पा रहे हैं बच्चों, ये हमारे पास लिस्ट ऑफ स्टेट्स आ गए हैं। अब हमारे पास नोएडा जो है उत्तर प्रदेश में है, तो मैंने उत्तर प्रदेश पे क्लिक कर दिया। आप कीबोर्ड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं बच्चों, बट मैं वापस बोल रही हूँ कि मैं कर्सर का इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि आपको स्क्रीन पे दिख सके। मैंने उत्तर प्रदेश क्लिक किया और इसको एंटर कर दिया। अब हमारे पास पिन कोड मांग रहा है, ये पिन कोड क्या है, 201-201-309, हमने ये पिन कोड भी डाल दिया। हम एंटर करेंगे तो हम फ़ोन नंबर मतलब कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे आ गए हैं। फ़ोन नंबर क्या बोल रहा है हमारे को, 0120-442-2503/04/05। देखो बच्चों, ये जो डंडा लगाया ना हमने 20 के बाद और 44 से पहले, इसको हम हाइफ़न बोलते हैं। जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता रही हूँ कि हम इसको क्या बोलते हैं, ताकि जब कभी आप यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं इसे। अब जो हमने 03, 04, 05 एक्सटेंशन है, इनके बीच में हमने स्लैश लगा रखा है, ठीक है। अब हम एंटर करेंगे तो इसने मोबाइल नंबर दे रखा है 04×9631597, हमने मोबाइल नंबर दे दिया। अगर आपके पास फैक्स नंबर है तो आप वो भी डाल सकते हैं, बट अभी हमारे पास क्वेश्चन में फैक्स नंबर नहीं है इसलिए हम नहीं डाल रहे हैं। उसके बाद आप ईमेल आईडी पूछ रहा है आपसे, ईमेल एड्रेस हम डाल देते हैं shyamtradingcompany@gmail.com। ये हमारा मेंशन कर रखा है जो हमारे पास प्रैक्टिकल एग्जांपल है। अब हम इसको एंटर करेंगे तो हम वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। हमारी वेबसाइट है www.shyamtradeco.com, ठीक है। हमने इसको एंटर किया तो हम फिनेंशियल ईयर बिगिंस फ्रॉम पे आ गए हैं। अब बच्चों समझो, हमारा ना अकाउंटिंग ईयर जो है इंडिया में जो हम फॉलो कैलेंडर करते हैं वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। तो अब हम 2019 में बैठे हैं तो हम 1/4/2019 से हम फिनेंशियल ईयर शुरू करने वाले हैं, ठीक है बच्चों। जब हम इसको एंटर करेंगे तो हमारे पास बुक्स बिगनिंग फ्रॉम आ रहा है। अब इसका मतलब समझो बच्चों, बुक्स बिगनिंग फ्रॉम मतलब कि हम किस तारीख से अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बही खाते मतलब लेजर्स या जो भी एंट्री है बुक्स बनाने लग रहे हैं, ठीक है। तो हम बोल रहे हैं कि हमने इस क्वेश्चन में ही मेंशन है कि हम फिनेंशियल ईयर 2019-20 के लिए बना रहे हैं, तो हम इसे 1/4/2019 का ही रहने देंगे, ठीक है। और इसको एंटर करेंगे तो हमारे पास टैली वॉल्ट पासवर्ड आ रहा है, मतलब कि ये एक ऐसा पासवर्ड है जब भी आप इस कंपनी के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर आप सिक्योरिटी कंट्रोल के लिए एक पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। अब इससे क्या होगा बच्चों, जब भी आप इस कंपनी में दोबारा शुरुआत से डालना चाहेंगे तो आपसे ये पासवर्ड मांगेगा, और पासवर्ड अगर आप नहीं डालोगे तो आप कंपनी के अंदर एंटर नहीं कर पाओगे। तो हम क्या करते हैं, हम जानते हैं कि पासवर्ड का यूज़ कैसे करते हैं, चलो इसके बारे में हम लिख लेते हैं। तो हमारे को पासवर्ड दे रखा है password@901। अब बच्चों जो पासवर्ड होते हैं ना जनरली वो कॉम्बिनेशन बनाना चाहिए जिसमें हायर वर्ड भी हो मतलब कैप्स लॉक भी ऑन हो, किसी में कैप्स लॉक बंद भी हो, एक स्पेशल डिजिट स्पेशल नंबर या स्पेशल डिजिट भी हो, और या और साथ ही साथ कोई न्यूमेरिकल वैल्यू भी हो। क्या बोला मैंने बच्चों, एक हाई नंबर में मतलब कैप्स लॉक में, एक हाई केस में बोल रहे हैं, दो चार वर्ड्स लो केस में होने चाहिए, एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए जैसे कि आपके पास @ है, डॉलर है, एस्ट्रिक है, हैश है, ये स्पेशल कैरेक्टर होते हैं, ठीक है। और नंबर होना चाहिए, ये कुछ चार चीज़ें होती हैं जो जनरली एक पासवर्ड को स्ट्रॉन्ग बनाती है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है बट हम जनरली अगर इसको फॉलो करेंगे तो इसको क्रैक करना मुश्किल हो जाएगा, हैक करना मुश्किल हो जाएगा, कोई और आपके पासवर्ड को जल्दी से चुरा नहीं पाएगा, ठीक है। इसलिए हमको बोल रहा है कि पासवर्ड की स्ट्रेंथ जो है वो गुड है,
ठीक है, अब मैं इसको एंटर करूंगी तो मेरे से बोल रहा है रिपीट करो पासवर्ड, तो कैप्स लॉक में PASSWRD@901। अब मैंने इसको एंटर किया तो हम सिक्योरिटी कंट्रोल अवेल करना चाहते हैं क्या, हम अनेबल करना चाहते हैं TSS फीचर? फॉर नाउ हम इसको नहीं करने वाले, हम इसके बारे में अगर बात करना चाहेंगे तो बाद में करेंगे, ठीक है? तो हम इसको नो कर देते हैं, हम इसको एंटर करते हैं। अब ये बोल रहा है बेस करेंसी सिंबल जो है वो रू है, मतलब हमारा रुपी का साइन दिख रहा है आपको, रुपी का साइन ये दिख रहा है ना। हम सिंस इंडिया में है तो हम यही करेंसी यूज करेंगे, अगर कोई और कंट्री की हम में बात कर रहे होते हैं, किसी और कंट्री के हम बुक्स बना रहे होते हैं तो हम वो वाली करेंसी ले लेते हैं, उस करेंसी का सिंबल ले लेते हैं। तो हमारे पास अभी हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स अपनी रुपी में बनाने वाले हैं, इसलिए हम रुपी का ही करेंसी सिंबल लेंगे, इसको एंटर करेंगे। तो इस करेंसी का फॉर्मल नेम क्या है? INR, मतलब इंडियन रुपी हमारा करेंसी का नेम है तो हम इसे INR रहने देंगे। अगर हम मान लीजिए अमेरिका के बारे में बात कर रहे होते हैं तो फॉर्मल नेम USD आ जाता, मतलब US डॉलर आ जाता, ठीक है? अब बोल रहे हैं हमने एंटर क्रिएट किया, एंटर प्रेस किया तो हमारे पास आ रहा है सफिक्स सिंबल टू अमाउंट। सफिक्स मतलब कि क्या हम करेंसी के बाद में, मतलब मान लीजिए हम 100 लिख रहे हैं, क्या हम 100 के बाद में कुछ लिखना चाहते हैं, डॉलर या एंड या एस, मतलब समझ रहे हैं, सेकेंड फर्स्ट ऐसे हम जो बाद में लिखते हैं ना, जो बाद में लिखते हैं इसको हम सफिक्स कहते हैं। क्या हम सफिक्स लिखना चाहते हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में? हम बोलेंगे नहीं लिखना चाहते। अगर आप लिखना चाहते हैं तो इसको यस कर सकते हैं, बट अभी हमारे पास क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है। और अगर हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स अपनी बनाना चाहते हैं तो बहुत बढ़िया तरीका है कि हम सफिक्स नहीं डालें, नो लिख देते हैं। अब क्या बोल रहे हैं हम, एड स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल, मतलब जो हमारा रुपी का सिंबल है, और जो हम कोई अमाउंट लिखने वाले हैं, फॉर एग्जांपल दिस, इन दोनों के बीच में क्या मैं थोड़ी स्पेस चाहती हूँ? मैंने बोला यस, मैं थोड़ी सी स्पेस चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पर यस रहने दूंगी। और मैं जब इसको एंटर करूँगी, क्या मैं अमाउंट को मिलियंस में रहना ले जाना चाहती हूँ? नहीं, मैं अमाउंट्स को मिलियन में लेके जाना चाहती हूँ, क्योंकि हमारी कंट्री में हम 1000 करोड़, लैक्स, इन सब के बारे में बात करते हैं, मिलियंस के बारे में बात नहीं करते। और अगर आप किसी और करेंसी के बारे में बात कर रहे होते तो आप मिलियंस को यस कर सकते थे, क्योंकि ERP है ना बच्चों, एक सॉफ्टवेयर है, किसी भी कंट्री के लिए बना सकते हो। तो अगर मैं इंडियन रुपी के लिए बना रही हूँ, या इंडियन कंट्री के लिए बना रही हूँ, इंडियन बुक्स ऑफ अकाउंट्स के लिए बना रही हूँ, किसी इंडियन कंपनी के लिए बना रही हूँ, तो मैं इसको मिलियंस में जरूरत नहीं है, इसलिए मैं इसको नो रहने दे रही हूँ, ठीक है? अब बोल रहे हैं नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, कि मैं नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस कितनी जाती हूँ। तो बच्चों हम बोल रहे हैं कि हम डेसिमल के, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस के बारे में बात करें, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस कितना होने वाला है। जैसे 10 रुपये 10 पैसे, मतलब पॉइंट के बाद कितने हम नंबर चाहते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। ये बोल रहा है हम 2 लिख लेते हैं, तो 2 ही रहने देते हैं, क्योंकि 2 डिजिट के बारे में बोल रहा है। अगर हम यहाँ पे इसको 3 कर देते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो हम यहाँ पर 3 लिख देंगे, ठीक है? मतलब 101 हो जाएगा, या फिर 102, जो भी नंबर होगा वो 3 डिजिट तक बोल रहा है, ठीक है? फिर एंटर बोल रहा है वर्ड रिप्रेजेंटिंग अमाउंट आफ्टर डेसिमल, जो डेसिमल के बाद का वर्ड है इसको क्या बोलेंगे हम, पैसा, है ना? अब वापस एंटर करेंगे तो बोल रहा है नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस फॉर अमाउंट इन वर्ड, जब हम अमाउंट को वर्ड्स में लिखेंगे तो हम कितने वर्ड्स तक जाना चाहते हैं। तो अगर हम मान लो जी 2 वर्ड्स तक जाना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, 10 रुपीज एंड 10 पैसा, है ना? 10 रुपीज एंड 10 पैसा। अगर हम मान लीजिए 3 डिजिट लिखते हैं तो 101 पैसा, ठीक है? उतना ही हम वर्ड्स में जाएंगे, ओके? अब हमने ये लिख दिया है, हमने इसको एंट्री कर दिया है, तो हम इसको एंटर दबाएंगे। जब आप एंटर दबाएंगे, देखो ये आपसे एक पॉपअप दे रहा है जिसका नाम बोल रहा है एक्सेप्ट येस और नो। हम इसको येस करना चाहते हैं क्योंकि हम सेव करना चाहते हैं, तो हम खाली वाई का बटन भी दबाएंगे ना,
YES पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, Y भी दबाएंगे तो ये आ जाएगा। और अब हमारे से पूछ रहा है टेली वॉल्ट पासवर्ड, हमारा पासवर्ड क्या था, कैपिटल P ASSWRD@901। हमने इसको एंटर किया तो हमारी कंपनी क्रिएट हो गई है बच्चों, दिख रहा है आपको। हमारे पास यहाँ पर कुछ नहीं था पहले, अब ये आ गया है। क्या बोल रहा है, करंट पीरियड क्या है हमारे पास, 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020 तक। हमारी करंट डेट क्या है, मतलब हम करंट डेट जो जिस डेट से हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स लिखना चाहते हैं वो है 1 अप्रैल 2019, ठीक है। अब लिस्ट ऑफ कंपनीज, हमारे पास कौन कौन सी कंपनीज हैं, हमारे पास पहली कंपनी जो हमने बनाई है वो है श्याम ट्रेडिंग कंपनी, जिसमें अभी तक हमने कोई एंट्री डाली है, अभी हमने कोई एंट्री नहीं डाली है, इसलिए बोल रहा है नो वाउचर्स एंटर्ड, ठीक है। तो हमारा पहला, बच्चों कितने एक्साइटेड हो गए हम, देखो इतना ईजी था बनाना, हमने क्या श्याम ट्रेडिंग कंपनी बना दिया है, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, क्या हम खाली कंपनी बना सकते हैं, मान लीजिए कोई कंपनी में हमारे से गलती हो जाए बनाने में, कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए या कंपनी का नाम ही बदल जाए, क्या हम वो चेंज कर सकते हैं। हाँ बच्चों क्यों नहीं कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं हम। तो बच्चों अब हम क्या करने वाले हैं, हम कंपनी का नाम चेंज करने वाला है, क्योंकि हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है चेंज द नेम ऑफ द कंपनी टू श्याम ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, है ना। तो मैं क्या करूंगी, कंपनी के नाम चेंज करने के लिए हम F3 जो यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड पे दिख रहा है ना, F3 कंपनी इन्फो, या तो ये क्लिक कर सकते हैं वरना ऑल के साथ जाके F3 क्लिक कर सकते हैं। मतलब जिस भी, मतलब आपको स्क्रीन पे एक शॉर्टकट बता रही हूँ बच्चों, आपको स्क्रीन पे जो भी वर्ड दिख रहा है ना, जो भी जैसे आपको ये दिख रहा होगा नीचे इसकी बार दिख रहा है, F2 के नीचे बार दिख रहा है, F3 के नीचे बार दिख रहा है, F1 के नीचे बार दिख रहा है, H के नीचे बार दिख रहा है, अगर आप ऑल्ट के साथ जो वर्ड जिसके नीचे बार है वो दबा देंगे तो आप उस फीचर के अंदर चले जाएंगे टैली के, ठीक है। तो अगर मैं कंपनी इन्फो में जाना चाहती हूँ तो मैं ऑल्ट प्लस F3 दबाऊंगी तो हम कंपनी इन्फो में पहुँच जाएंगे, ठीक है। बट मैं कंपनी इन्फो में ऐसे भी जाके क्लिक कर सकती हूँ माउस से, मैंने क्लिक किया तो हमारे पास कंपनी ऑलरेडी सिलेक्टेड है। मैं कंपनी का नाम चेंज करना चाहती हूँ तो मैं क्या कहूँगी, ऑल्टर पे जाऊँगी। ऑल्टर पे कैसे गई वापस बच्चों, क्या मैंने क्या डाउनवर्ड की दबाया, ठीक है, इसको एंटर किया, हमारे पास श्याम ट्रेडिंग कंपनी है, अब मैं इसका नाम चेंज करना चाहती हूँ तो मैं इसको एंटर करूँगी और यहाँ पर जाके इसका सिंपली नाम चेंज कर दूँगी, श्याम ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ठीक है। अब मैं इसको एंटर करूंगी तो हमारा मेलिंग एड्रेस भी ऑटोमेटिकली आप देख पा रहे होंगे बच्चों चेंज हो गया। अब हमारे पास और कोई चेंजेस इसमें हम नहीं करना चाहते हैं, अगर हम कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो हम उसके अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। हम इसको एंटर क्लिक करते जाएंगे और एक बार चेक करते जाएंगे कि हम सब कुछ ठीक कर रहे हैं। वापस बच्चों एक क्वेश्चन है, कंट्री में अगर आप इंडिया में जाकर क्लिक करके कहीं और चले जाओगे इंडिया की जगह तो चेंज हो जाएगा, इसका हम बहुत ध्यान से ध्यान रखेंगे। हमें अभी आपको बोल रही हूँ ध्यान देने के लिए, क्योंकि एक बार आपने प्रैक्टिस कर ली तो आपको फ्यूचर में कभी भी इस बारे में दिक्कत फेस नहीं करनी पड़ेगी। एंटर करते जाइए और एंटर करते जाएंगे और हम नीचे आते जाएंगे, कुछ क्या चेंजेस करने हैं, नहीं हमको कोई चेंजेस नहीं करने हैं, तो आप एंटर एंटर क्लिक करते जाइए। नहीं हम यहाँ पर इसको 2 करना चाहते हैं ना, हमारा आपने देखा कि हमने गलती कर रखी थी, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस हम 2 ही रहना देना चाहते हैं। हम इसको एंटर करेंगे और क्या करेंगे बच्चों, पॉपअप आ गया एक्सेप्ट येस और नो, हम इसको सेव करना चाहते हैं तो हम येस करेंगे। येस करने के लिए आप अगर एंटर भी दबाएंगे तभी भी सेव हो जाएगा, बट हम वाई दबाएंगे तभी भी क्लियर येस हो जाएगा, ठीक है। अब हम वापस देख पा रहे होंगे आप स्क्रीन में श्याम ट्रेडिंग प्राइवेट कंपनी पे हम पहुँच गए हैं। हम इसको एस्केप का बटन दबा के पीछे आएंगे और वापस एस्केप का बटन दबाएंगे तो आप देख रहे हैं कंपनी का नाम चेंज हो चुका है, श्याम ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं हम, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। बहुत आसान था ना बच्चों, कंपनी क्रिएट करना या उसमें कोई भी चेंजेस करना है तो हम जाके ऑल्टर में चेंजेस कर सकते हैं, ठीक
ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम बनना चाहते हैं, हम जीएसटी को अनेबल करना चाहते हैं। जीएसटी को इनेबल करना चाहते हैं का मतलब क्या है, हम जिस कंट्री में रहते हैं वहाँ पे जीएसटी एक ऐसा टैक्स है जो लागू हो चुका है। अब अगर वो जीएसटी लागू हो चुका है और आप जिस कंपनी में काम करते हैं, जिस कंपनी के आप रिकॉर्ड बना रहे हैं, वो बोलते हैं कि जीएसटी इनेबल्ड है, हमको जीएसटी के रिकॉर्ड भी डालने हैं अपने टैली में, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तो हमें उसका फीचर जाके लॉगिन करना पड़ेगा। मतलब हमें जीएसटी को एप्लीकेबल हुआ हुआ है हमारे पास टैक्स में, तो एप्लीकेबल ही है, बट बुक्स ऑफ अकाउंट में भी दिखना चाहिए ना जीएसटी की एंट्री, तो हम उसी को जाकर सीखते हैं। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है, जीएसटी नंबर टू बी एनेबल्ड विद द कंपनी, जीएसटी नंबर दे रखा है, टर्नओवर बोल रखा है कंपनी का लेस देन 1.5 करोड़ है। अब मैं इसको आपको डिटेल में समझाऊंगी जब हम इसको प्रैक्टिकली स्क्रीन पे देखेंगे, ठीक है। तो अब बोल रहा है कि हमें जीएसटी इनेबल करना है। जीएसटी इनेबल करने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, हम जाएंगे F11 मतलब फीचर्स में जाएंगे, इसे क्लिक करेंगे तो हम स्टैचुएट्री एंड टैक्सेशन में जाएंगे। कैसे गए हम, वापस कीबोर्ड का डाउनवर्ड एरो दबाकर इसको हमने एंटर किया। तो अब देख पा रहे हैं बच्चों आप, श्याम ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए हम स्टैचुएट्री एंड टैक्सेशन कंप्लायंसेस को लिख रहे हैं। मतलब आप देख पा रहे हैं एनेबल जीएसटी जो बोल रखा है नो, बट हम इसी को तो यस करना है ना, हम तो चाहते हैं कि जीएसटी के बारे में जो भी एंट्रीज हमारे इफेक्ट कर रहे हैं कंपनी को, वो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में भी दिखनी चाहिए, ठीक है। तो हम इसको यस लिखना चाहते हैं, तो हम वाई लिखेंगे ना जैसे ही और एंटर करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली यस आ जाएगा, आपको पूरा यस लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब ये बोल रहा है सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स, हाँ हमें अपनी कंपनी के डिटेल्स लिखनी है, जीएसटी की डिटेल्स लिखने, क्योंकि हमारे को जीएसटी नंबर प्रोवाइड किया हुआ है ना हमारे क्वेश्चन में, तो हम इसको भी यस करेंगे। जैसे ही आप वाई करेंगे, इसको एंटर करेंगे, आपको ये इस स्क्रीन पे ले आएगा। क्या स्क्रीन है ये, चलो बच्चों ये भी देख लेते हैं क्या स्क्रीन है ये। जीएसटी डिटेल्स में गए, हमारा स्टेट क्या है, उत्तर प्रदेश, हम इसको एंटर करेंगे तो हमारा रजिस्ट्रेशन टाइप क्या है, रेगुलर। देखो बच्चों दो तरीके से हो सकता है, या तो कॉम्पोजिशन हो सकता है या रेगुलर हो सकता है, हमारे पास रेगुलर है, ठीक है। हमने इसको एंटर किया, बोल रहा है असेसी ऑफ अदर टेरिटरीज, क्या किसी और टेरिटरी में भी आप हो, नहीं जीएसटी सिर्फ एक टेरिटरी में ही काम कर सकता है, तो हम इसको नो रहने देंगे। GST IN या UIN, मतलब हमें अपना जीएसटी का नंबर लिखना है, हमारे को जीएसटी का नंबर क्या दे रखा है, 09 BDZPD 8643 W1Z5, एंटर। अब हमने इसको वेरीफाई कर दिया, यस। अब देखो बच्चों कैसे हम काम करते हैं, हम जीएसटी नंबर एक्चुअली में होता क्या है उसको समझ लेते हैं, ठीक है। तो मैं आपको लिख के दिखाती हूँ बोर्ड पे कि कैसे जीएसटी नंबर एक्चुअली होता है। तो हम जीएसटी नंबर देख रहे थे बच्चों कि कैसा होता है, फॉर्मेट कैसा होता है जीएसटी नंबर का। यहाँ पर स्टेट कोड होता है, फर्स्ट टू डिजिट इज स्टेट कोड, हर एक स्टेट का अपना एक स्टेट कोड है, जो भी मैं आपके साथ स्क्रीन पे शेयर भी करूँगी कि क्या क्या हो सकते हैं स्टेट कोड, ठीक है। फिर हमारे पास यहाँ पर क्या है, ये जो है ये परमानेंट अकाउंट नंबर है, हमारा पैन नंबर है, 1 2 3 4 5, फर्स्ट 5 जो होते हैं ये हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं, फिर 1 2 3 4 ये हमारे न्यूमेरिक होते हैं, मतलब नंबर होते हैं, और फिर लास्ट जो वर्ड होता है वो भी हमारा एक अल्फ़ाबेट होता है। तो हमारा 9 नंबर का, हमारा 10 नंबर का पैन डिजिट नंबर रेडी है, 10 डिजिट्स का हमारा पैन नंबर होता है, वही यहाँ पर आ जाता है। फिर यहाँ पर एंटिटी नंबर ऑफ द सेम पैन होल्डर, मतलब मेरे पैन होल्डर, मतलब मैं अगर मैं कंपनी की मालिक हूँ तो मेरे पास कितनी एंटिटीज है सेम पैन पे, पैन नंबर पे कितनी एंटिटीज हैं, वो उसका नंबर यहाँ पे आएगा। तो मेरे पास मान लीजिए एक ही है, तो मैं यहाँ पे एक लिख देती हूँ। यहाँ पे जी,
हम इसको जी बोल सकते हैं, जेड बोल सकते हैं, इसमें कंफ्यूजन रहता है, तो इतना टेंशन लेने की बात नहीं है। आप जेड बोलना चाहे तो जेड बोलिए, जी बोलना चाहे तो जी बोल दीजिए। जो हमारा ये जेड अल्फ़ाबेट है, ये डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट आता है आपके जीएसटी नंबर पे। और ये क्या है, फाइव। फाइव क्या है, चेक सम डिजिट, मतलब जो भी आपके यहाँ पे डिजिट्स हैं उनका अगर सम करोगे तो वही नंबर होगा यहाँ पे। अब जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, टू टू मतलब फोर हो गया, और यहाँ पे कोई और नंबर है, हाँ ये रहा वो एक नंबर, वापस क्या बन गया, पाँच। तो ये चेक सम डिजिट यहाँ पे, इसलिए फाइव आ गया। ठीक है, तो आपको जीएसटी नंबर देखना आ गया कैसे लिखते हैं, जीएसटी नंबर का फॉर्मेट समझ आ गया। तो अब हमने यहाँ पर अकॉर्डिंगली जीएसटी नंबर का फॉर्मेट लिख दिया। फिर बोल रहा है एप्लीकेबल फॉर्म, एप्लीकेबल कब से है, हमने बोला 1 अप्रैल 2019 से, क्योंकि हम उसी से अपनी बुक्स बना रहे हैं, तो हमने डाल दिया। अब ये बोल रहा है, अगर हम इसको एंटर करते हैं, बोल रहा है पीरियोडिसिटी ऑफ GSTR 1। अब बच्चों समझो, GSTR 1 एक ऐसा फॉर्म होता है, मतलब आपकी कंपनी पे कौन सा जब GSTR 1 फॉर्म एक ऐसा फॉर्म होता है, जब आप GST भरते हैं ना, तो उसके साथ ये फॉर्म भरना पड़ता है। ठीक है, GSTR 1 भरते हैं हम। ठीक है, तो अभी बोल रहा है कि आप मंथली बनाना चाहते हो GST या क्वार्टरली बनाना चाहते हो। ठीक है, तो इस पे क्या है, हमारे रूल्स और कुछ रेगुलेशंस हैं। क्या रूल्स रेगुलेशंस हैं, अगर आपका टर्नओवर 40 लाख इससे ज़्यादा है तो आपको मंथली क्वार्टरली रिटर्न मंथली आपको GSTR 1 भरना पड़ेगा। अगर 40 लाख से कम है तो आपका क्वार्टरली भरना पड़ेगा। अब बच्चों इस पे आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा, अभी मैं सिर्फ करंट सिचुएशन के बारे में बात कर रही हूँ, हो सकता है ये चेंज हो जाए, पहले ये 20 लाख थी फिर 40 हुई, अब ऐसे हो सकता है वापस कम हो जाए या बढ़ जाए। तो आपको जो आपकी आपके टैक्सेशन में फॉल कर रहे हो जिस स्टेट में आप, उसके अकॉर्डिंगली आप इसको मान लेंगे। ठीक है, अब ये बोल रहा है टर्न ओवर ऑफ द कंपनी इज लेस देन 1.5 CR, तो मैं बोलती हूँ मैं इस पर क्वार्टरली रिटर्न फाइल करना चाहती हूँ। ठीक है, अब मैं क्या बोल रही, ई वे बिल एप्लीकेबल है क्या। ई वे बिल जनरली होता है एप्लीकेबल, अगर आपका जो आपकी करंट कंट्री, जो भी आपका स्टेट है जिस पे आप फॉल करते हैं, जो भी आपका GSTR टैक्सेशन के अकॉर्डिंग आप इसको डाल देंगे, हम इसको यस रहने देंगे। अब ये बोल रहा है एप्लीकेबल फॉर्म कब से एप्लीकेबल होने वाला है, एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 2019, क्योंकि हम तभी से अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रहे हैं। ठीक है, अब ये बोल रहा है थ्रेश होल्ड लिमिट इंक्लूड्स, अब बच्चों आप समझने की कोशिश करो ये थ्रेश होल्ड लिमिट होती क्या है। ठीक है, थ्रेश होल्ड लिमिट समझने के लिए मैं आपको बोर्ड पे समझाती हूँ। थ्रेश होल्ड लिमिट क्या होती है बच्चों, थ्रेश होल्ड लिमिट होती है कि आपको इस वैल्यू से नीचे रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ेगा। अब मान लीजिए बच्चों क्या होता है कि हम कभी कभी हम जब हम कंपनी है तो हम लोग वो सामान खरीदते भी हैं और सामान बेचते भी हैं, तो आप TDS भी जानते हैं, आप GST भी समझते हैं, है ना, थोड़ा थोड़ा बेसिक तो जानते ही, अगर हम डिटेलिंग में नहीं भी जानते हैं तो हम मैं डिटेल भी आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। थ्रेशोल्ड बोल रहा है कि आपको रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं है, कहाँ तक आपको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। तो मैं आपको अभी के जो रूल्स चल रहे हैं वो आपको एक बार पढ़ के समझाती हूँ। अब बच्चों मैं आपको थ्रेश होल्ड लिमिट समझाने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, अब हम बुक से पढ़ते हैं। थ्रेश होल्ड लिमिट मीन्स लिमिट विच अलाउज द पर्सन टू डू बिजनेस विदाउट ऑब्टेनिंग द रजिस्ट्रेशन अंडर GST। ठीक है, हमने रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 24 रीड विद सेक्शन 22 फॉलोइंग पर्सन आर रिक्वायर्ड कंपल्सरिली रजिस्टर अंडर CGST एक्ट। अब CGST क्या होता है, सेंट्रल GST एक्ट, मतलब ये क्या सेक्शन है, सेक्शन लॉ ने बनाया है, हमने नहीं बनाया, आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ आपको चीज़ें अच्छे से समझ आ सके, डीप में समझ आ सके, इसलिए थोड़ा सा इस पर ग्लिम्स देने की कोशिश कर रही हूँ, थोड़ा सी इस पर रोशनी डालने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, ये बोल रहा है एवरी सप्लायर शाल बी लायबल
टू बी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट इन द स्टेट फ्रॉम वेयर ही मेक्स अ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज इफ हिज एग्रीगेट टर्नओवर इन अ फाइनेंशियल ईयर एक्सीड्स 12 लाख रुपीज, मतलब 20 लाख से ऊपर अगर आपने जो गुड्स और सर्विसेज जो आपने बेची है वो टैक्सेबल है, जो कि वो अगर 20 लाख से ऊपर हो जाती है, तो आपको हर सप्लायर को GST नंबर लेना पड़ेगा, ठीक है? बोल रहे हैं कोई कोई स्पेशल कैटेगरी में इसका लिमिट जो है हमने 10 लाख भी दे रखी है, ठीक है? फिर पर्सन मेकिंग एनी इंटरेस्ट रेट टैक्सेबल सप्लाई, तो उसमें तो कोई थ्रेशोल्ड लिमिट है ही नहीं। अगर जैसे ही मान लीजिए आपकी कंपनी रजिस्टर है बैंगलोर में और आप काम कर रहे हैं दिल्ली में, तो आप पे लग गया, इस पे कोई थ्रेशोल्ड है ही नहीं, आपको लेना पड़ेगा GST नंबर, ठीक है? नेक्स्ट है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। अगर कोई कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है उस पे भी कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है, ठीक है? फिर पर्सनल लायबल टू पे GST अंडर रिवर्स चार्ज। अगर आप रिवर्स चार्ज के बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी एक इस पर टॉपिक आएगा। अगर आप रिवर्स चार्ज के लिए एप्लीकेबल हैं, अगर आप जो सबमिट करते हैं रिवर्स GST क्या, आप अपने जानकारी के लिए अगर जानना चाहते हैं तो आप इस पर जाके इंटरनेट पे पढ़ सकते हैं। इसमें कोई बहुत डिटेलिंग में टैली से कुछ अलग नहीं है, ठीक है? टैली में कुछ अलग इफेक्ट नहीं है इसके बारे में। तो इन सब लोगों पर एप्लीकेबल, आप इनको पढ़ सकते हैं। कुछ बहुत नो इट इज़ नॉट रॉकेट साइंस, ऐसे कोई डरने वाली बात नहीं है, बट इन लोगों पे GST एप्लीकेबल होता है। थ्रेशोल्ड लिमिट सबकी मेंशनड है और हम उसके अकॉर्डिंग अपना जो है डाल लेते हैं, ठीक है? GST के अपने टैली के एंट्रीज में, ओके? अब ये बोल रहा है कि थ्रेशोल्ड लिमिट इंक्लूड्स, थ्रेशोल्ड लिमिट पे अब हमारे पास लिस्ट ऑफ वैल्यूज दिख गई है। क्या हम इनवॉइस वैल्यू पे लगाने वाले हैं, या फिर टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट गुड्स पे लगाने वाले हैं, या टैक्सेबल गुड्स की वैल्यू पे लगाने वाले हैं? हम बोल रहे हैं कि हम बहुत सारी पार्टीज से लेना देना करते हैं, तो हम इसको इनवॉइस पे ही रहने देते हैं, क्योंकि अगर हम टैक्सेबल या एग्जेम्प्ट गुड पे लगाएंगे तो फिर उसका अलग रूल होएगा, और हर एक कंपनी तो ज़रूरी नहीं ना उसमें फॉल करे, या फिर टैक्सेबल गुड्स वैल्यू पे ही होगा। और ये भी अलग बात है, मैं बोल रही ना कि अगर हम अलग अलग सप्लायर्स और अलग अलग सामान लोगों को बेच रहे हैं, अलग अलग लोगों से ले रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे को देना पड़ेगा। अगर हम मान लीजिए हम पर्टिकुलरली एक SEZ कंपनी है और हमारे पास कुछ टैक्सेबल एग्जेम्पशन मिल रखी है, तो हम शायद उन्हीं लोगों से भी डील कर रहे होंगे, तो हम उसके अकॉर्डिंग आप लिस्ट ऑफ वैल्यूज से चूज़ कर सकते हैं। बट अभी हम कोई SEZ कंपनी नहीं है, हम एक नॉर्मल कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम इसे इनवॉइस वैल्यू पे ही रहने देंगे, हम इसे एंटर करेंगे। तो हम थ्रेशोल्ड लिमिट कुछ भी ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू द टैक्सेशन, जैसे जो भी करंट टैक्सेशन चल रहा होगा हम उसके अकॉर्डिंग थ्रेशोल्ड लिमिट को डाल देंगे। जो अभी हमने समझा थ्रेशोल्ड लिमिट क्या होता है बच्चों, जब आपको आप एक ऐसे सप्लायर हो, जब आप एक लिमिट के आगे चले जाओगे तो आप पे आपको GST नंबर लेना पड़ेगा, अगर इस लिमिट से नीचे होंगे तो आपको GST नंबर नहीं लेने पड़ेगा। हम इस पे 50,000 आ रहे हैं तो हम इसको ऐसे रहने देते हैं। एप्लीकेबल फॉर इंट्रास्टेट, यस, हमने अभी बोला कि इंट्रास्टेट पे तो है ही एप्लीकेबल, ठीक है? थ्रेशोल्ड लिमिट 50,000 ही रहने देते हैं, ठीक है? एनेबल टैक्स लायबिलिटी ऑन एडवांस रिसीट्स, क्या हमने एडवांस में कुछ लिया है उस पर हम कुछ टैक्स देने वाले हैं? नहीं, अभी नहीं देने वाले हैं। अगर आपकी सिचुएशन बोलती है तो आप इसको यस कर दीजिए। अगर आपने कुछ एडवांस पेमेंट ले रखी है किसी से और उस पर GST एप्लीकेबल है, तो हम उसको यस करेंगे, ठीक है? कॉम्प्लेक्सिटी तो बच्चों कितनी भी बढ़ सकती है, सिचुएशन जब लाइव में आओगे, जब आप लाइव काम करोगे टैली पे, तो कुछ भी हो सकता है। और जो भी कुछ होगा, अगर हमें सिचुएशंस को अगर हम पूरे टैली पे कमांड ले रखे होगे, हमें हर एक वर्ड के बारे में समझ रखा होगा, तो हमारे को कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? नेक्स्ट है अनेबल टैक्स लाइबिलिटी ऑन रिवर्स चार्ज। बच्चों इस पे मैं एक अलग से डिटेल में डिस्कशन करने वाली हूँ, तो अभी के लिए इसको हम नो रहने देंगे, ठीक है? फिर नेक्स्ट है सेट ऑल्टर GST रेट डिटेल्स। क्या हम GST के रेट डिटेल्स यहाँ पे डालने वाले हैं? अभी हम डालने वाले हम बोल रहे हैं नहीं डालने वाले, क्योंकि हर एक अभी जो हम सिचुएशन जिस कंपनी के बारे में बोल रहे हैं कि नहीं हम इस पे रेट डिटेल्स यहाँ पर नहीं डालने वाले, क्योंकि हो सकता है रेट जो है वो कहीं पर अलग हो। चलो मैं आपको येस भी करके दिखाती हूँ, इसको येस करके दिखाती हूँ, ठीक है? येस क्या बोल रहा है, टैक्स लायबिलिटी क्या है, एग्जेम्प्टेड, निल रेटेड, टैक्सेबल, इसको हम टैक्सेबल कर देते हैं, ठीक
ठीक है। अब अगर हमने जैसे टैक्सेबल डाला तो हमने टैक्स टाइप लिख दिया इंटीग्रेटेड टैक्स और सेस, तो हम इसको मान लीजिए हमने इसको 18% कर दिया और इसको 3% कर दिया, तो हमने यहाँ पर अपनी डिटेल्स एंटर कर दी। अगर हम इसको नो कर देंगे, अगर ऊपर जाके हम इसको नो कर देंगे तो फिर हमारे पास टैक्सेबल रेट नहीं आ रहा होगा, ठीक है। तो हमें अभी के लिए इसको नो कर देते हैं, नो कर देंगे तो वह नहीं आएगा, अगर यस कर देंगे तो हमने यस भी करके देखा ना क्या होता है उसका इफेक्ट, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है एनेबल जीएसटी क्लासिफिकेशन, जीएसटी क्लासिफिकेशन अगर यस करते हैं तो हम इसको क्लासिफाई कर पाएंगे कि ये सी जी एस टी है या आई जी एस टी है, ठीक है। तो अभी हम इसको नो ही रहने देते हैं और बोल रहे हैं क्या हम एल यू टी या बॉन्ड डिटेल्स प्रोवाइड करने वाले हैं, अगर आप करने वाले हैं तो आप इसे येस कर दीजिए, हम नहीं करने वाले हैं इसको इसलिए हम नो रहने देंगे, ठीक है। अब इसको आप एंटर करेंगे तो वापस इसने आपको एक पॉपअप दिखाया येस और नो एक्सेप्ट करना है, हमने बोला येस, इसको हम सेव कर लेते हैं, येस कर दिया। अब हमारे पास वैट पे या जो हमारा जीएसटी का हमने ऑल्टर डिटेल्स डाल दिए, क्या अब हम एनेबल करने वाले हैं वैट को, हम नहीं एनेबल नहीं करने वाले हैं वैट को, क्योंकि वैट कहीं पे लग रहा है कहीं पे नहीं लग रहा है, किस पे लग रहा है, हमने अब बोल रहे हैं हमने सिर्फ जीएसटी को एनेबल करने के लिए आए थे। अब समझो बच्चों, कंपनी की अगर कोई भी टैक्सेशन और स्टैचुएटरी रिक्वायरमेंट डालनी होगी तो हम क्या करेंगे, कंपनी इन्फो में जाकर यहाँ पर स्टैचुएट कंपनी के अंदर घुस के फीचर्स में जाकर उसके स्टैचुएटरी एंड टैक्सेशन वाले कॉलम में जाकर आप ये चीज़ें येस या नो अकॉर्डिंगली कर सकते हैं, ठीक है। हम वैट के बारे में कुछ डालने वाले नहीं डालने वाले, एक्साइज के बारे में डालने वाले नहीं डालने वाले, सर्विस टैक्स के बारे में डालने वाले नहीं डालने वाले, टीडीएस के बारे में डालने वाले नहीं डालने वाले, टीसीएस के बारे में डालने वाले नहीं डालने वाले, अगर डालने वाले होते तो डाल देते, ठीक है। अगर कुछ भी आपको एनेबल डिसेबल करना होगा तो आप यहाँ जाकर कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप पैन इनकम टैक्स नंबर, अगर आपका कोई पैन इनकम टैक्स नंबर है तो हम वो डाल देंगे, अगर आपका कोई सीआईएन नंबर है तो हम उसको भी डाल देंगे और यस करेंगे एक्सेप्ट कर देंगे इसे, तो हमने क्या करा जीएसटी को एनेबल कर दिया, ठीक है बच्चों। अब जो आपके पास जो सेकंड और थर्ड हमने आपको प्रोजेक्ट दे रखा है आप उसको प्रैक्टिस करिए, अगर आप प्रैक्टिस करते हुए आपको कोई भी दिक्कत आएगी तो आप हमारे से पूछ लीजिए, आपको उसका सलूशन मिल जाएगा, ठीक है। और जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको उतना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, आप मेरे साथ तो कर ही रहे हैं बट जब आप खुद करेंगे ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा बच्चों, बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। तो हम वापस एस्केप करेंगे, एस्केप क्या इसलिए करते हैं, पीछे जाने के लिए करते हैं, हम एस्केप कर दिया, अब हम वापस गेटवे ऑफ टैली पे आ गए, हमारा फर्स्ट पेज है। अब हमने यहाँ पर देखो हमने क्या कर दिया जीएसटी को अनेबल कर दिया, ठीक है। अब हमारे पास जीएसटी के कोई भी रिलेटेड कोई एंट्री होगी वो हम यहाँ पर पुट कर पाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा क्रिएट यूनिट ऑफ मेजर, अब हमारे को बच्चों यूनिट ऑफ मेजर क्रिएट करना है। अब यूनिट ऑफ मेजर क्या होता है, मान लो आप केले बेच रहे हैं तो केले किस यूनिट में बिकते हैं, डजन में बिकते हैं। आप दूध की कंपनी हो तो आप दूध कितने में, कौन से यूनिट में बिकता है, वो लीटर में बिकता है। आप पेन बेच रहे हो तो वो पीसीस में बिकता है, तो हम यूनिट ऑफ मेजर को क्रिएट करना चाहते हैं। अब हमारे को जो क्वेश्चन दे रखा है वो बोल रहा है पीसीस बनाना है, पीसीस विद सिंबल पीसीएस एज योर स्टॉक आइटम, बनाए बच्चों, यस मैम बनाते हैं, हमारे को बहुत मजा आ रहा है, चलो भैया मजा करते हैं, अब हम मजा मजा करते करते काम कर लेंगे है ना बच्चों, हंसी आ रही है, चलो कोई बात नहीं हम हंसी भी कर लेते हैं और काम करने लगते हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, हम जाकर अपना यूनिट बनाने वाले हैं। यूनिट बनाने के लिए क्या करेंगे बच्चों, यूनिट किसके लिए होता है समझो, हमको रटना नहीं है, यूनिट किससे होता है, इन्वेंट्री पे होता है, यूनिट किस पे होता है, स्टॉक का होता है, स्टॉक क्या होता है, एक इन्वेंट्री की वैल्यू होती है। तो हम क्या करेंगे मास्टर में जाके एक इन्वेंट्री इन्फो में जाएंगे और देखो यूनिट मेजर दिख रहा है ना आपको, इस पर क्लिक करिए।
अब हमारे पास कोई यूनिट नहीं है, इसलिए आपको डिसेबल और ऑल्टर, देखो बच्चों ये डिसेबल और ऑल्टर जो है वो ब्लैक में नहीं है, ग्रे में है, मतलब डिसेबल्ड है ऑलरेडी। को अगर होता तो ये ब्लैक में होते, उसमें जाके हम देख सकते थे। चलो धीरे धीरे समझते हैं। अब हम क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। क्रिएट किया हमने, एंटर, दिख गया। देख रहे बच्चों कितना मजा सा आ रहा है दिखने में, हमको दिख रहा है श्याम ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर हम पीसेस बनाने लगे हैं। पीसेस क्या बनाएंगे, सिंबल इसमें हमारे को देखा है PCS, एंटर। हमने एंटर किया तो फॉर्मल नेम लिखना पड़ेगा। फॉर्मल नेम क्या है हमारे पास, पीसेस, PIECS, एंटर। एंटर किया तो हमारे को दिख रहा है क्या, पीसेस, ये रहा बच्चों पीसेस, हमने इसको एंटर कर दिया। क्या अब आप देखो नेक्स्ट है आपका नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। क्या आपने पीसेस को कभी पॉइंट वन दिखा है, पॉइंट टू दिखा है, नहीं दिखा ना, तो हम इसको पॉइंट नहीं रहेंगे। अगर बट क्या डजन होता तो हम इसको पॉइंट में लिख सकते थे। मान लीजिए आपके पास 14 केले थे तो 12 में एक डजन होता है। अगर हमारे को दो और लिखने थे तो हम यहाँ पे नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस एक लिख सकते थे या दो लिख सकते थे, ठीक है। अब हमने इसको एंटर किया, यस किया। तो अगर आपको और कोई और बनाना है तो आप वो भी बना सकते हैं, बट अभी हम एक ही बनाने वाले हैं इसलिए हम इसको एस्केप कर देंगे। एस्केप करेंगे, एस्केप का बटन दबाया तो एक और बारी हमारे पास पॉपअप आया। क्या पॉपअप आया, क्विट, यस और नो। हमने हमने यस करना चाहते हैं, हम बैक करना चाहते हैं, इसलिए हम वाई दबाएंगे और हम यूनिट्स वाले पॉपअप पर आ गए, यूनिट्स वाले पेज पर आ गए, ठीक है। अब देखो बच्चों मैजिक दिखा, डिस्प्ले और ऑल्टर ग्रे से ब्लैक हो गया है ना। मैजिक नहीं है बच्चों, ये सिर्फ लॉजिक है कि पहले से कोई बन नहीं रखा था यूनिट, इसलिए वो डिसेबल था, डिस्प्ले और ऑल्टर नहीं दिख रहा था। अब हमने यूनिट बना दिया इसलिए डिस्प्ले और ऑल्टर एनेबल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्प्ले द यूनिट मेजर ऑफ योर स्टॉक आइटम। हमने जो बना लिया उसको देख लेते हैं। अब कैसे देखेंगे, डिस्प्ले में जाएंगे, पीसीस को एंटर करेंगे, यही क्या था ना एंटर, हमने सिंबल था, फॉर्मल नेम था उसका, UQC था, ठीक है। अब हम इसको एस्केप कर कर पीछे चले गए वापस, इतना इजी था डिस्प्ले होना तो, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, आपको ऑल्टर करना है पीसीस का जो सिंबल है ना वो स्मॉल PCS की जगह बिग PCS करना है, मतलब कैप्स लॉक में PCS करना है। तो मैं वापस आपको ऑल्टर करके दिखाती हूँ। हम फर्स्ट पेज पे जाएंगे, हम गेटवे ऑफ टैली पे शुरुआत से, मान लीजिए ये तो अभी हम क्वेश्चन वाइज कर रहे हैं, बट लाइफ में जो इंसिडेंसेस आएंगे, लाइफ में जो सिनेरियोज आएंगे वो किसी फॉर्मेट में तो नहीं आएंगे ना, तो हम समझने की कोशिश करते हैं। अगर हमारे पास कोई यूनिट ऑलरेडी PCS था, उसको हम PCES लिखने वाले थे या कुछ भी लिखने वाले थे, हम कैसे जाके चेंज करेंगे। हम क्या करेंगे, गेट वे ऑफ टैली पे जाएंगे, इन्वेंट्री इन्फो में गए, यूनिट ऑफ मेजर में गए और हमने जाके चेंज करना था तो हम ऑल्टर में गए, एंटर किया तो हमने PCS को कैप्स लॉक में कर दिया। एंटर करेंगे बच्चों, एंटर करेंगे। अब देखो यहाँ पर भी वही वाली गलती हो सकती है जो हमने इंडिया और उत्तर प्रदेश, बच्चों देखा ना जब एक पॉपअप आ जाता है, अगर मान लीजिए मैं गलती से यहाँ पर पहुँच के एंटर कर दिया तो ये गलत हो जाएगा है ना। तो हम इसको चेंज करेंगे, वापस पीसीस करेंगे, नंबर ऑफ डेसिमल 0 ले देंगे, एंटर करके यस करेंगे ताकि हम सेव कर पाए, एस्केप करेंगे, एस्केप करेंगे तो हमारे पास पीसेस क्रिएट हो जाएंगे। अब इसको भी आप देखना चाहते हो डिस्प्ले में, चलो देख लेते हैं बच्चों। इन्वेंट्री में, यूनिट मेजर में, डिस्प्ले देखेंगे तो हमारे पास ये पीसेस आ रहा है ना। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अब हमारे को स्टॉक का आइटम बनाना है ना। अब मैम कह रही है कि स्टॉक का आइटम बनाने में तो और मजा आने वाला है बच्चों, तो हम क्या करेंगे वापस जाएंगे, किस में जाएंगे, गेटवे ऑफ टैली पे जाएंगे, गेटवे ऑफ टैली। अब देखो मेरे से गलती से क्या हो गया था, एस्केप दोबारा दब गया था, तो मैंने देखो मैं समझाती हूँ, मैंने से एस्केप दोबारा दब गया था तो क्विट आ गया था। अगर हम इसको एन दबा देते तो हम टैली से आउट हो जाते हैं, बट डरने की कोई दिक्कत नहीं है, जो आपने एक बार डाल दिया वो सेव हो गया।
बट हम नहीं क्विट करना चाहते तो एन कर देंगे, अगर क्विट करना चाहते तो वाई कर देते, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम स्टॉक आइटम बनाना चाहते हैं तो वापस इन्वेंट्री में जाएंगे, स्टॉक आइटम में जाएंगे। अब दिख रहा है वापस डिस्प्ले और ऑल्टर जो है वो डिसेबल्ड है। अभी हम सिंगल स्टॉक आइटम बनाने लगे हैं, मल्टीपल स्टॉक आइटम बाद में बनाएंगे, ठीक है। हम क्रिएट करते हैं कंपनी का नाम, सॉरी प्रोडक्ट, स्टॉक का आइटम का नाम क्या है, स्टॉक आइटम का नाम है बच्चों आपके पास पहला आइटम क्या है, आपको दिख रहा है अपने एक्सरसाइज शीट में, मोबाइल, मोबाइल दिख रहा है ना आपको, उसको मोबाइल रहने देंगे, उसको एंटर करेंगे। क्या प्राइमरी में रहेंगे, यस प्राइमरी में रहने देंगे। यूनिट्स क्या है, पीसीएस। बच्चों अगर आपने यहाँ पर यूनिट नहीं बनाया होता तो पीसीएस नहीं दिख रहा होता, ठीक है। तो एंटर करिए, क्या बोल रहा है, सेट स्टैंडर्ड रेट्स। क्या मैं इसके रेट स्टैंडर्ड सेट करना चाहती हूँ, हाँ मैं देख चाहती हूँ कि इसमें दे रखा है, तो मैं इसको यस करती हूँ। मैंने जैसे इसको यस किया, ये मुझे कहाँ ले गया, इसके स्टैंडर्ड कॉस्ट पे, ठीक है। मान लीजिए आपने जो इसकी कॉस्टिंग थी, एंटर करेंगे 1 अप्रैल को, 5,000 रुपये, 5,000 रुपये का पर पीस है, ठीक है। आपने एंटर किया, अब ये क्या है, हम मोबाइल के बारे में बात कर रहे हैं बट हमारे पास मोबाइल की एक ही प्राइस दे रखा है, तो हम वापस इसको एंटर करेंगे तो आप राइट हैंड साइड चले गए। राइट हैंड साइड मतलब ये स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस, मतलब ये तो आपने खरीदने का कॉस्ट था, मतलब ये कॉस्टिंग थी। अब हम सेलिंग प्राइस के बारे में बात कर रहे हैं, सेलिंग प्राइस बोल रहा है जून में, 1 जून को क्या प्राइस दे रखा है, 5,500, कि हम खरीद 5,000 का ले रहे हैं बट हम बेच 5,500 का रहे हैं। और फिर बोल रहा है जुलाई में हमने इसके रेट बढ़ा दिए और कितने के कर दिया, 5,700 का, कहता पर पीस। वापस एंटर करेंगे, अब एंटर करके तो हमारे पास और कोई वैल्यू है नहीं तो इसको हम नहीं रहने देंगे, ठीक है। क्या बोल रहा है, जीएसटी एप्लीकेबल है, हाँ जी भैया एप्लीकेबल है। हमने क्या जीएसटी डिटेल कुछ दे रखी है, नहीं दे रखी है। ये गुड्स है या सर्विस है, गुड्स है भैया, मोबाइल तो गुड्स होता है, सर्विस थोड़ी ना होता है। अगर कोई रेट ऑफ ड्यूटी है तो वो लिख देंगे। अब देखो बच्चों यहाँ पे ना, अगर मान लीजिए अगर आपके उस आपकी स्क्रीन पे ये नहीं आ रहा था, कैसे, अगर आप स्टैचुएटरी इन्फॉर्मेशन, मतलब अगर हमने इसको यहाँ पर जाके जीएसटी एनेबल नहीं कर रखा होता तो हम यहाँ पर जीएसटी नहीं आ नहीं, रहा हूं। तो अब हम स्टॉक आइटम कॉन्फ़िगरेशन समझना चाह रहे थे। अगर वहाँ यहाँ पर ये एलियास प्रोवाइड एलियास इज अलोंग नेम, अगर मैं इसको नो कर दूंगी ना बच्चों, देखो एन मैं अगर इसे नो कर दूंगी, देखो क्या होता है, यहां से गायब हो गया ना नेम मोबाइल के नीचे से, पहले आ रहा था है ना। हम वापस कॉन्फ़िगर में जाकर इसको यस कर देंगे, जैसे आपने यस किया तो हम इंडिविजुअली पढ़ लेते हैं क्या समझ, कॉन्फ़िगरेशन स्टॉक आइटम की कॉन्फ़िगरेशन हमको समझना क्या चाहते हैं इसमें हम। अब बोल रहे हैं प्रोवाइड लैंग्वेज एलियासेस फॉर नेम, क्या हम कोई लैंग्वेज जानना चाहते हैं, मतलब हम नीचे उसके एलियासेस में कोई रिमार्क डालना चाहते हैं। अगर पहले चलो यस करके देख लेते हैं क्या है, जब हमने यस किया तो देखो एलियास दिख गया ना। वापस कॉन्फ़िगर में जाते हैं और पूरी डिटेलिंग समझने की कोशिश करते हैं क्या ये प्रोवाइड लैंग्वेज एलियासेस फॉर नेम। लैंग्वेज एलियासेस फॉर नेम चाहते हैं नहीं चाहते हैं हम, अलाउ एडवांस एंट्रीज इन मास्टर्स, मतलब हमने कोई एंट्री, मतलब कोई आदान प्रदान जो है वो एडवांस पेमेंट हो रखी है या एडवांस रिसीव हो रखा है, क्या हम वो मास्टर डेटा में चाहते हैं, नहीं चाहते हैं, तो इसलिए हमने नो कर दिया। अगर चाहते होते तो यस कर देते। अब रियल लाइफ सिचुएशन आपकी जो होगी उसके अकॉर्डिंग आप कॉन्फ़िगरेशन में जाके चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अलाउ एमआरपी या मार्जिनल फॉर स्टॉक आइटम्स, क्या एमआरपी या मार्जिनल हम स्टॉक आइटम में चाहते हैं, नहीं चाहते हैं, अगर चाहते होते तो लिख सकते थे यस। अलाउ इंक्लूसिव ऑफ टैक्स फॉर स्टॉक आइटम्स, मतलब स्टॉक आइटम जो है वो टैक्स के साथ आए तो हम अगर साथ चाहते हैं तो यस कर देंगे, नहीं चाहते हैं तो नो कर देंगे, अभी के लिए हम इसे नो ही रहने देंगे। प्रोवाइड पार्ट नंबर्स फॉर स्टॉक आइटम्स, स्टॉक आइटम के साथ क्या हम कोई पार्ट नंबर, मतलब कुछ और डालना चाहते हैं, नहीं डालना चाहते हैं तो नो लिख देंगे, ये डालना चाहते हैं तो यस कर देंगे। एड डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम, मतलब मान लीजिए आप एक मोबाइल आपका स्टॉक है और उसके आप लावा,
या फिर सैमसंग या कोई और डिस्क्रिप्शन लिखना चाहते हैं, अगर वो चाहते हैं तो इसको येस लिख देंगे, अगर नहीं चाहते हैं तो नो ही रहने देंगे, ठीक है। एड रिमार्क्स फॉर स्टॉक आइटम, आप अपने स्टॉक आइटम के साथ अगर कोई रिमार्क लिखना चाहते हैं और उसको एनेबल करना चाहते हैं तो येस कर दीजिए, अगर नहीं चाहते हैं तो नो कर देंगे। स्पेसिफाई डिफॉल्ट लेजर एलोकेटिंग फॉर इनवॉइसिंग, अगर मान लीजिए कोई एक स्टॉक आइटम है वो आप डिफॉल्ट किसी बाय डिफॉल्ट किसी पर्टिकुलर मान लीजिए इन्वेंट्री के अंदर डालना चाहते हैं या डेटर के अंदर डालना चाहते हैं या क्रेडिटर के अंदर डालना चाहते, कोई भी लेजर के अंदर बाय डिफॉल्ट चाहते हैं तो आप उसे येस कर दीजिए, हम नहीं चाहते हैं तो हम उसे नो रहने देंगे, ठीक है। यूज़ ऑल्टरनेट यूनिट्स फॉर स्टॉक आइटम्स, मतलब कोई और यूनिट चाहते हैं हम एक स्टॉक आइटम के साथ तो हम इसे येस कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल पैक और पीसेस, मान लीजिए आपके पास पेन पेन का पीस भी है और पेन पैक्स भी बिकता है, तो अगर मैं वो दोनों यूनिट चाहती हूँ इकट्ठे आ जाए तो हम इसे येस कर देंगे, बट अगर नहीं चाहती हूँ तो नो रहने देंगे। एनेबल स्टैंडर्ड रेट्स फॉर स्टॉक आइटम, ये येस था इसीलिए हम यहाँ पर एंटर कर पाए थे, बच्चों दिख रहा था ना आपको। हमने किया था ना यहाँ पे जाके सेट, क्योंकि वो येस था, अगर वो नो होता तो वो नहीं आप नहीं कर पाते। चलो ये भी देख लेते हैं, अगर ये नो होता तो क्या कैसा रहता, कॉन्फ़िगर में जाएंगे, अगर इसे हम नो कर देते हैं तो यहाँ पर देखो है ही नहीं, हमारे पास रेट्स आ ही नहीं रहे हैं, अगर हमने इसको येस कर रखा था इसीलिए डाल पाए हम, वापस आके कॉन्फ़िगर में इसको येस कर देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट है एनेबल कंपोनेंट लिस्ट डिटेल्स, मतलब बिल ऑफ मटेरियल, मतलब मैं अगर मान लीजिए पेन बना रही हूँ तो उसका कैप अलग, प्लास्टिक अलग, रिफिल अलग, अगर मैं वो चाहती हूँ बिल ऑफ मटेरियल आ जाए कंपोनेंट्स के साथ तो मैं सजेस्ट कर देंगे, अगर नहीं चाहती हूँ तो नो ही रहने देंगे, ठीक है। हमने स्टॉक आइटम कन्फिग्रेशन समझ लिया है, हम इसको एस्केप कर देते हैं, इसको नो ही रहने देते हैं और इसको हम क्या कर देते हैं, एस्केप कर देते हैं। एस्केप कर दिया तो हम इसको जाकर देखो, स्टैंडर्ड डेट हमने यस रहने दिया था ना, एंटर एंटर करेंगे और अपना एप्लीके क्या हमने जीएसटी एप्लीकेबल है, यस बच्चों हमारे पास एप्लीकेबल है। ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स नहीं है, टाइप ऑफ सप्लाई गुड्स है, अगर ड्यूटी है रेट ऑफ ड्यूटी है तो वो भी डाल देंगे, ठीक है। अब अगर आपके पास पिछले साल का कोई ओपनिंग बैलेंस है तो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं उसकी क्वांटिटी, उसका रेट पर पीस या पर व्हाटएवर इज द यूनिट और उसकी वैल्यू, ठीक है। अगर नहीं है तो नहीं लिख देंगे। और अब आपने इस सारा डिटेल आप सेव करना चाहते हैं तो येस करिए, वाई दबाइए और पहुँच के, ठीक है। अब हम एक नया स्टॉक आइटम क्रिएट करना चाहते हैं जो बोल रहा है चार्जर, CHARGER चार्जर, चार्जर डाला प्राइमरी में, हम इसका भी पीसीज ही है तो पीसीज कर दिया, बोल इसमें भी हमारे पास प्राइस है तो हम इसको येस करेंगे, येस किया तो 1 अप्रैल को इसकी क्या थी, एंटर कर लेंगे हम नेक्स्ट जानने के लिए, क्या बोल रहा है 1000 रुपीज़ का एक चार्जर था पर पीस, जैसे आपने एंटर किया ऑटोमेटिकली अपना यूनिट ऑफ मेजर ले लेगा क्योंकि आपने ऊपर डाल दिया था, ठीक है। आप एंटर करिए, यहाँ पर हमारे पास कुछ नहीं है, वापस एंटर दबाएंगे तो आप स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस में पहुँच गए, वहाँ पर बोल रहा है 1 अप्रैल 2019 नहीं है हमारे पास, 1 जून तारीख को, जून में क्या है कॉस्ट जितने में हम बेच रहे हैं 1050 रुपये में बेच रहे हैं पर पीस, और हम 1 जुलाई के महीने में क्या बेच रहे हैं 1100 का बेच रहे हैं पर पीस, ठीक है। एंटर एंटर और पहुंच गए वापस हम नेक्स्ट सैचुरेटरी इन्फॉर्मेशन में पहुंच गए। सैचुरेटरी इन्फॉर्मेशन क्या है, जीएसटी एप्लीकेबल है, यस एप्लीकेबल है। क्या इसके जीएसटी डिटेल है कोई, नहीं कोई डिटेल नहीं है। गुड्स है टाइप की, यस है। रेट ऑफ ड्यूटी, यस। अगर कोई ओपनिंग बैलेंस होता तो वो भी डाल देते और हम इसको सेव कर लेंगे, यस। नेक्स्ट है हमारे पास, हमें ईयरफोन बनाना है,
ईयरफोन एक स्टॉक आइटम क्रिएट करना है। ईयरफोन डाला प्राइमरी में पीसेस के साथ, स्टैंडर्ड रेट यस हमारे पास स्टैंडर्ड रेट दे रखा है तो हम वो भी डाल देंगे। 250 रुपये का एक हमने खरीदारी जो हमने ख़रीदा है वो 250 का है। एंटर किया तो हम उसके नेक्स्ट लाइन में आ गए, इस लाइन में आ गए है ना, बट हम तो यहाँ जाना चाहते हैं तो वापस एंटर करेंगे। तो हमने 1 जून 2019 में कितने का बेचा, ये 270 का बेचा पर पीस। और 1 जुलाई को कितने का बेचा बच्चों, कितने का बेचा, 300 रुपये का बेचा पर पीस है ना। वापस एंटर करा, एक और बार ये एंटर किया तो हमारे पास इसके रेट्स भी सेट हो गए। ठीक है, अब क्या GST एप्लीकेबल है? यस मेरे बच्चों एप्लीकेबल है। अब यहाँ पर नो है ना, अगर हम इसको एक बार देखें यस करेंगे तो क्या आएगा, यस करेंगे तो वापस हम आप पहुँच जाएंगे कि इसकी वैल्यू कितनी है, कितना इस पे रेट लग रहा है, कितना इस पे टैक्स लग रहा है। अगर आप चाहेंगे तो हम ये भी कर लेंगे। ठीक है, इसके बारे में शायद हम थोड़ा सा बाद में समझ लेंगे डिटेल में। ठीक है, इसको यस डाला, गुड्स पे डाला, रेट ऑफ ड्यूटी अगर होगी तो वो मेंशन कर देंगे, अगर हमारे पास कोई ओपनिंग बैलेंस होगा तो वो भी डाल देंगे। और मैंने देखो इस बार वाई नहीं दबाया, एंटर ही दबाया तभी भी सेव हो गया, तो एंटर दबाने से भी सेव हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है मोबाइल कवर। मोबाइल कवर डाला प्राइमरी में पीसीस के थ्रू, क्या स्टैंडर्ड रेट है, यस है हमारे पास स्टैंडर्ड रेट, यस स्टैंडर्ड रेट डाला, क्या 300 का खरीदा था हमने, एंटर एंटर। और कितने का बेचा, तीन, अभी हमने बेच रहे 1 जून से, जून से कितने का बेच रहे हैं, 350 का पर पीस है ना। और जुलाई में कितने का बेच रहे हैं, जुलाई में कितने का बेच रहे हैं बच्चों, 370 पर पीस। एंटर एंड वी गेट ऑन द स्टैचुएटरी इन्फॉर्मेशन साइड। अभी तक हमने स्टैंडर्ड रेट डाल दिया है, अब हम स्टैचुएटरी इन्फॉर्मेशन मतलब टैक्स की इन्फॉर्मेशन में पहुंच गए हैं। स्टैचुएटरी मतलब लॉ है ना, लीगल इन्फॉर्मेशन। GST एप्लीकेबल है, हाँ जी एप्लीकेबल है। कोई डिटेल है, अगर डिटेल होती तो वो डाल देते, कैसे डाल देते, यस करते, यस करके वैल्यू पे लगा देते, अगर टैक्सेबल होता तो टैक्स में डाल देते, जो उसका रेट होता मान लीजिए 18% है, सेस 3% है तो हम डाल देते। ठीक है, अगर हम अभी हमारे पास क्वेश्चन में नहीं है इसलिए हम इसको नो ही रहने देंगे। ड्यूटी है नहीं है। अब हमने चारों स्टॉक आइटम बच्चों क्रिएट कर लिए। कोई डिफिकल्ट था, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं था, मैं हमें तो बहुत मज़ा आया। चलो फिर बच्चों और आगे काम करते हैं, हम एस्केप करते हैं। एस्केप किया तो हम कहाँ पहुँच गए, स्टॉक आइटम में वापस पहुँच गए। वापस एस्केप करेंगे तो इन्वेंट्री इन्फो में पहुँच गए। एक और बार ये एस्केप करेंगे तो गेटवे ऑफ टैली पे आ गए, जहाँ से हमारा फर्स्ट पेज होता है टैली एंटर करने के बाद। ठीक है, यहीं से सारा कहानी शुरू होती है। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करना चाहते हैं, हम सारे स्टॉक आइटम को देखना चाहते हैं। हमने स्टार्टिंग में देखा था ना कि जो डिस्प्ले और ऑल्टर था वो ग्रे था, मतलब वो एनेबल नहीं था। अब देखें, अब तो हमने बना दिया है तो अब तो एनेबल होना चाहिए। तो क्या करेंगे, वापस इन्वेंट्री इन्फो में जाएंगे, अपने स्टॉक आइटम में जाएंगे। देखो मेरे प्यारे बच्चों, डिस्प्ले और ऑल्टर एनेबल हो गया, ये भी काले रंग का हो गया, मैजिक नहीं है, लॉजिक है। ठीक है, डिस्प्ले में जाएंगे और चार्जर देखेंगे। चार्जर दिख रहा है, हाँ जी बच्चों हमारे को तो दिख रहा है चार्जर, इसमें हमारा रेट एनेबल नहीं है क्या। दिख रहा है क्योंकि डिस्प्ले है ना, इसलिए हम इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते। एस्केप करेंगे, ईयरफोन दिख रहा है हमारे को, ईयरफोन भी, मोबाइल भी दिख रहा है हमारे को, मोबाइल कवर हाँ जी वो भी दिख रहा है हमारे को। तो हमने सारे देख लिए हैं भैया, स्टॉक तो आइटम में आ गया है, हमारे बुक्स में आ गया है। ठीक है, अगर अब मान लीजिए नेक्स्ट है हमारे पास, मेक द फॉलोइंग चेंजेस इन द स्टॉक आइटम। स्टॉक आइटम में हमारे को कुछ चेंजेस करने हैं, क्या चेंजेस है, मोबाइल का नाम जो है मोबाइल फ़ोन हो गया है, और चार्जर का नाम जो है वो मोबाइल चार्जर हो गया। तो बच्चों अब इसको भी जाके समझ लेते हैं कैसे करेंगे। एकदम क्या करेंगे, हम गेटवे ऑफ टैली पे आएंगे, इन्वेंट्री इन्फो में जाएंगे, स्टॉक आइटम में जाएंगे और ऑल्टर, क्या ऑल्टर करना चाहते हैं हम, मोबाइल को चेंज करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मोबाइल लिख लेते हैं,
लिखेंगे मोबाइल, MOBIL, मोबाइल में गए, एंटर। मोबाइल का नाम मोबाइल फोन है तो हम क्या करते हैं, मोबाइल फोन लिख देते हैं। अगर कोई और चेंजेस भी होते हैं ना बच्चों, तो हम वो यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है। अगर कोई चेंजेस बता रखे होते हैं हमारे को, तो हम वो चेंजेस भी कर लेते हैं। हम इसको जितना कॉम्प्लेक्स करना चाहें कर सकते हैं, जितनी इसकी डिफिकल्टी का ऑर्डर जितना बड़ा करना चाहें हम बढ़ा सकते हैं। बट कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बस परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, कुछ कुछ ज़्यादा है कुछ कम है, जैसा भी आता जाएगा आपकी लाइफ में वो आप डालते जाएंगे, क्योंकि आपके बेसिक्स क्लियर होते गए हैं ना बच्चों। आप एंटर करते जाइए, क्योंकि हमको सिर्फ यही चेंज करना था इसलिए हमने चेंज कर दिया और यस कर दिया। नेक्स्ट है हम चार्जर का नाम, मोबाइल चार्जर चाहते हैं, ठीक है। तो चार्जर में जाइए, या तो ऊपर से लिख सकते हैं या फिर जाके डायरेक्टली माउस का यूज़ करके पहुंच सकते हैं। मोबाइल चार्जर नाम लिख देते हैं इसका, ध्यान से बच्चों, है ना, मोबाइल चार्जर। मोबाइल चार्जर डाल दिया हमने, यस। तब हमने क्या किया, हमने दोनों चेंजेस कर लिए हैं। अब एस्केप किया, फिर से एस्केप किया, तो अब देखे जाके क्या हमारे नाम चेंज हुए हैं, डिस्प्ले देखते हैं। देखो बच्चों, मोबाइल फोन का नाम मोबाइल, मोबाइल का नाम मोबाइल फोन हो गया और चार्जर का नाम मोबाइल चार्जर हो गया, है ना। दिख रहा है ना अब आपको चेंजेस, ये हमारा क्वेश्चन नहीं था बट आपके रेफरेंस के लिए मैंने ये आपको समझाया है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, नेक्स्ट काम करेंगे। मैम बहुत मज़ा आ रहा है, आप आगे पढ़ाइए आगे पढ़ाइए, सब बच्चे यही कह रहे हैं। चलो बच्चों, बच्चों के आगे मैम की एक ना चली तो हम आगे चल दिए, क्या चल दिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हमें क्रिएट लेजर फॉर सेंट्री क्रेडिटर्स। अब हमारे को लेजर बनाना है, लेजर कैसे बनाते हैं बच्चों, बहुत मजा आने वाला बच्चों लेजर क्रिएट करने में। क्या करेंगे हम, इन्वेंट्री इन्फो में जाएंगे। देखो लॉजिक, क्या लॉजिक, जब हम स्टॉक के बारे में कुछ भी बात कर रहे थे तो हम इन्वेंट्री इन्फो में गए, अब हम अकाउंट्स के बारे में बात करने वाले हैं तो हम अकाउंट इन्फो में जाएंगे। क्या करेंगे, लेजर में जाएंगे। लेजर में जाके क्या करने वाले हैं, हम क्रिएट करने वाले हैं। क्या क्रिएट करने वाले हैं, ABC कंपनी है जिसका ओपनिंग बैलेंस है जीरो, उसने अपना एड्रेस दे रखा है, बैंक की डिटेल्स दी हुई है, पैन की डिटेल्स दी हुई है। अब हमारा आप सेंडरी क्रेडिटर बना दीजिए। चलिए कंपनी का नाम क्या है, हमारे क्रेडिटर का क्या नाम है, ABC एंड कंपनी, एंटर। ओके, एलियास कुछ दिया हुआ है, नहीं दे रखा है। अब किस के अंदर, किस लेजर के अंदर हम इस क्रिएट करना चाहते हैं, हम चाहते हैं सेंडरी क्रेडिटर के अंदर। तो हम कैपिटल अकाउंट डाल रहे हैं, नहीं भैया हमको तो सेंडरी क्रेडिटर चाहिए, तो हम SUN डालेंगे। जैसे ही डालेंगे वहाँ पे दिख जाएगा हमको सेंडरी क्रेडिटर, वो हम क्लिक कर देंगे। अब बोल रहा है ये मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल, क्या हम एक ही बारी लेन देन करने वाले हैं इस ABC क्रेडिटर कंबाइंड कंपनी से, नहीं भैया हम तो ये हमारा यहाँ से हमारा सामान आता है आगे बेचने के लिए, या तो प्रोसेसिंग करते हैं या कुछ भी करते हैं, ठीक है, या प्रोसेसिंग करते हैं या ऐसे उठा के बेच देते हैं अपना मार्जिन लगा के, कुछ भी हो सकता है ना, कंपनी बाय कंपनी डिफर हो सकता है। अब हम बोल रहे हैं कि हाँ भैया हमें तो बिल बाय बिल चाहिए, ठीक है। कोई डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड है, मतलब मान लीजिए 2 महीने में पेमेंट करते हैं, 15 दिन में पेमेंट करते हैं, अगर कुछ होता तो हम लिख देते हैं, अभी हमारा कुछ है नहीं तो हम उसे नहीं मेंशन करेंगे। चेक फॉर क्रेडिट डेज ड्यूरिंग वाउचर एंट्री, मतलब क्रेडिट डेज कितने दिन का मुझे क्रेडिट मिला है, अगर वो हम डालना चाहते हैं तो हम इसको भी यस कर सकते हैं, बट अभी हम नहीं चाहते हैं तो नो रहने देंगे। इन्वेंट्री वैल्यूज क्या इफेक्ट होंगी, नहीं होंगी इन्वेंट्री वैल्यूज से इफेक्ट, ठीक है। अब इसका एड्रेस इन्होंने दिया हुआ है हमें, तो हम एड्रेस डाल देते हैं, क्या है, बिल्डिंग नंबर 901 ब्लू रिज सोलान सोलन बद्दी, है ना। कंट्री क्या है, इंडिया। स्टेट क्या है, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ऐसे डाला मैंने, हिमाचल प्रदेश को क्लिक किया। पिन कोड क्या है, 173
2 0 5। क्या बोल रहे हैं? 173205। एंटर किया। बोल रहा है सिलेक्ट द एप्लीकेबल स्टेट टू कैलकुलेट जीएसटी ड्यूरिंग वाउचर एंट्री। हमने स्टेट वही डाली ना जो है। प्रोवाइड बैंक डिटेल्स। यस, हम प्रोवाइड करेंगे डिटेल। कौन सा बोल रहा है? हमें बैंक डिटेल डालना है ना, तो ई फंड ट्रांसफर में डालेंगे। ई फंड ट्रांसफर का अकाउंट नंबर क्या बोल रहा है ये? 5301309100। ठीक है। आईएफएससी कोड क्या है? KKBK1234216। 4×0216। बैंक का नाम क्या है? कोटेक महिंद्रा। स्पेसिफाई है ना, तो हम स्पेसिफाई में जाएंगे। एंटर। कोटक महिंद्रा बैंक डाल दिया। हमारे पास बैंक की डिटेल्स भी हमने प्रोवाइड कर दी। ठीक है। अब बोल रहा है पैन नंबर दे रखा है। हाँ बच्चा जी, हमारे को पैन नंबर भी दे रखा है। PVZBD2468Q। अब जी मैंने बोल दिया, अब जेड भी बोल सकते हैं, है ना? तो अब एंटर करिए। क्या ये, अब देखिए रजिस्ट्रेशन टाइप क्या है? क्या ये अननोन है? क्या ये कंपोजिशन है? क्या ये कंज्यूमर है, रेगुलर है या अनरजिस्टर्ड है? अनरजिस्टर्ड मतलब जिसने रजिस्ट्रेशन नहीं करा रखा। रेगुलर मतलब जिससे हमारा जो नाम आम बात होती रहती है ना, आम आदान प्रदान चलता रहता है, कोई ट्रांजैक्शंस होती रहती है। कोई कंज्यूमर है मतलब कि डायरेक्टली मैंने एंड कंज्यूमर को दिया, वो आगे बेचता नहीं है, तो वो कंज्यूमर हो सकता है। कंपोजिशन हो सकता है, अगर कंपोजिशन होगा तो वो डाल देंगे, अगर कुछ हमको पता ही नहीं तो अननोन डाल देंगे। हम रेगुलर ही रहने देंगे। हमारे पास उसकी क्या जीएसटी डिटेल्स है? नहीं है। क्या हमारे पास कोई ऑल्टर जीएसटी डिटेल है? वो भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे? एंटर करेंगे। अगर कोई ओपनिंग बैलेंस होता तो हम वो डाल देते, बट हमारे पास ओपनिंग बैलेंस नहीं है क्योंकि इसमें बोल रखा है ओपनिंग बैलेंस 0 है, तो हम नहीं डालेंगे। और वाई करेंगे, यस करेंगे, तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा, है ना? यस कर दिया। अब हमने क्या कर लिया बच्चों? एक सन्ड्री क्रेडिटर बना दिया। ठीक है। एस्केप करिया, हमने एस्केप किया तो हम जाके डिस्प्ले में देख भी सकते हैं। एबीसी कंपनी आ गया ना बच्चों, दिख रहा है आपको? ये हमने डिटेल्स अभी अभी तो डाली थी, वही आ गई है। कितना मज़ा आया मैम, सन्ड्री क्रेडिटर बनाना तो बहुत आसान था। तो हम नेक्स्ट बनाएंगे एक और लेजर। ठीक है। उस लेजर को बनाने के लिए हम नेक्स्ट क्लास का इंतज़ार करते हैं। तब तक क्या करते हैं? हम पढ़ाई करते हैं। जो हमको होमवर्क मिला है उस पर हम वापस, जो हमने काम किया ना उसको हम होमवर्क भी करेंगे। जो दो हमारे को इसके साथ प्रैक्टिकल लाइव प्रोजेक्ट्स मिले हैं, हम उसको करेंगे ट्राई। ट्राई क्यों करेंगे? ट्राई करने से मास्टरी बनती है बच्चों, है ना? तो हम वो करेंगे और नेक्स्ट क्लास में आपसे दोबारा मिलेंगे। ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।